Hello everyone, Neelam welcomes you at the Rise of Hopes. Learners, today we will talk about the kitchen vocab. Being a lady, I have to perform such activities in the kitchen. So I thought that this vocab should be given to my learners also, so that they can come across with such vocabulary. So are you ready for learning kitchen vocab? Yes. We know that we love chapatis. This is a normal rites in our houses to make chapatis. So, उन chapatis को बनाने के लिए हमें कौन से steps को follow करना पड़ता है और उन steps को हम English में क्या बोलेंगे? So, let's learn with me and let's get going. Be ready for increasing your vocab related to kitchen and related to chapati. Okay, be ready for making chapati. Yeah, with me. We are in the kitchen. Okay. Now, the first one, suppose कि मैं हूँ, मुझे चपाती बनानी है, तो मुझे कहाँ से, किस प्रोसेस से स्टार्ट करना है और कहाँ तक चपाती बनानी है, उस पूरे प्रोसेस को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? We will know about making chapatis, the full process with the help of these words, these sentences, these phrases. So, let's learn, learners. I am sifting the flour. First of all, listen, this is flour. Not flour. आटा जो होता है उसको हम flour बोलते हैं. Flour. Okay? Flour. So, flour, the change in spelling. एक flour होता है जो फूल होता है, but here is आटा जो हमारा होता है. अब हम पहले क्या करेंगे? I am sifting the flour. आप रोटी बनाने से पहले, चपाती बनाने से पहले मैं आटे को क्या करती हूँ? छानती हूँ. Clear? तो उसको हम क्या बोलेंगे? अगर मैं कह रही हूँ कि मैं आटा छान रही हूँ, तो मैं क्या कहूँगी? I am sifting the flour. Sifting होता है learners छानना, और हम sieve भी बोलते हैं, sieve भी छानना होता है. I am sieving the flour. I am sifting the flour. Okay? Next one is, अब आटा गूथने के बाद हम क्या करेंगे? अगर छानने के बाद हम गूथेंगे उसको, गूथना क्या होता है? I am kneading the dough. डॉफ होता है जो गीला आटा हो जाता है, सूखे के आटे की वजह जब हम पानी उसमें मिला देते हैं तो वो जब गीला हो जाता है, दैट इज़ अ डॉफ. ओके, डॉफ. एंड नीडिंग होता है गूथना. क्या होता है? गूथना. आई एम नीडिंग द डॉफ. अब आटा गूथ लिया, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा? आई एम मेकिंग द बॉल्स. हम जो बॉल्स बना देते हैं छोटी छोटी रोटी बनाने से पहले, दैट इज़ आई एम मेकिंग द बॉल्स. उनको हम बॉल्स बोलेंगे और मेकिंग होता है बनाना. नेक्स्ट वन हम क्या करेंगे? पकाना. आई एम जस्ट रेडी टू मेक चपातीस, देन आई एम बेकिंग द चपाती. मैं रोटी पका रही हूँ. उसके बाद नहीं, इससे पहले एक स्टेप आएगा, रोलिंग आउट. पकाने से पहले क्या करेंगे? बेलन से हम बनाते हैं रोटी का, बॉल को चकले पर रखते हैं और उसके बाद हम उसको बनाते हैं. ओके, फुलाते हैं, बनाते हैं बड़ा. तो दैट इज़ रोलिंग. हम ऐसे ऐसे रोल रोल करते हैं बेलन को, तो वो क्या होता है? रोलिंग आउट द चपाती. आई एम बेलिंग रोलिंग आउट द चपाती. देन अब रोल आउट करने के बाद उसको तवे पर डालेंगे, तो क्या करना है उसको? आई एम बेकिंग द चपाती. मैं पका रही हूँ. नेक्स्ट वन इज फ्लिप द चपाती. एक बार ऐसे डालने के बाद उसको पलटा जाता है तवे पर, दूसरी साइड से पलटना, दैट इज़ कॉल्ड फ्लिप्ड. आई फ्लिप द चपाती. मैंने रोटी को ऐसे पलटा, चपाती को. नेक्स्ट हम फिर क्या करते हैं? आई एम पफिंग अप द चपाती. उसके बाद पलटने के बाद उसको फुलाते हैं. फुलाना होता है पफिंग. आई एम पफिंग द चपाती. मैं फुला रही हूँ रोटी. उसके बाद समटाइम इट हैपन्स कि जो सीखने वाले हैं, जो नए नए हैं, मेरे जैसे को तो हमेशा कभी आते ही नहीं है, कि जो चपाती जब बन जाती है, फूल जाती है, वो फूट जाती है, जो उसकी हवा है वो निकल जाती है. तो वो जो फूटना होता है उसको हम क्या कहेंगे? चैप्ड. ओ माई चपाती चैप्ड. मेरी रोटी फूट गई, वो ऐसे बीच से क्रैक उसमें आ गया, दैट इज चैप्ड. आई होप लर्नर्स दैट यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस वोकैब रिलेटेड टू द किचन, रिलेटेड टू चपाती. इवन इट इज आर मेन कॉम्पोनेंट ऑफ आर डेली लाइफ. सो स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर नोइंग मोर एंड मोर, for increasing your vocab related to different situations. So stay connected with us. Then on this point, if you are happy, if you got some information valuable,
then give your thumbs up, like, share and subscribe our channel, The Rise of Hobbs. Thank you so much for watching this video.